हेलो। हाँ बोलिए। अच्छा, मेरा वो मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ दिया ना, मेरे बेटे का 30 दिसंबर हाँ टू नहीं, थाउजेंड मुझे टू पहले डिटेल बोलिए, क्या इश्यू हाँ है, क्या जानना है, क्या आपने उसका केस पेपर केस स्टडी डाला था क्या यहाँ पे? नहीं, केस पेपर नहीं डाला है। इसका सिर्फ अभी उसका वो एडिक्शन का मैंने बोला था क्या ना, एडिक्शन? वो गेम मोबाइल वाला, का। मोबाइल वाला? हाँ, मोबाइल का। हाँ, अच्छा ठीक है, चलो एक बार डाल के देखते हैं क्या पता चलता है, और दूसरी बात, तो उसका स्टडीज का मतलब उसका देखते कंसंट्रेशन हैं व्हाट वी स्टडीज पे कैन कैसा गेट जाएगा। फ्रॉम द ग्रेड, है ना, बिकॉज ये ओके हम ओके पूरा कंसल्टेशन नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आपको अलग से ही, है ना, वो पूरा टाइम लेके करना पड़ेगा, पर यहाँ पे एक आध दो ओके पॉइंट देखेंगे हम, ठीक है? अच्छा ओके ठीक है उसका ठीक क्या नाम है पूरा बताइए, है। ईशान, ISHAAN, ईशान आई एस चित्तूर, ए एच डबल ए एन, ईशान। ISHAAN हाँ फिर चित्तूर, आगे, के अतुल, ATUL अतुल चित्तूर, हाँ KIT UR, फिर उसका डेट बताइए। 30 दिसंबर 2004। ठीक है, तो जितने लोगों ने भी, है ना, आज से काफी महीने पहले लोशू ग्रिड सीखा है हमसे एंड आर नॉट अवेयर अबाउट द ई कैलकुलेटर्स, गेट टू अस एंड, है ना, सब्सक्राइब टू इट, ये आपको काफी मदद करेगा कंसल्टेशंस के लिए और स्टडी के लिए, ठीक है? इसका तो 333 है, हाँ, 22 143 1159। डबल हाँ थ्री इसको वो, है ना, आपको थोड़ा एक्शन में लाना पड़ेगा, 9 नंबर इसके लिए। हाँ एनर्जी के साथ मुझे। एनर्जी, उसको थोड़ा, है ना, पिंचिंग करना पड़ेगा आपको, थोड़ा गुस्सा दिलाना पड़ेगा ताकि वो, है ना, अपना मोबाइल खुद ही फेंक दे और फिर अपने आप, आपको दूसरा मोबाइल लेके ही नहीं देना है, तो अपने आप वो फिर काम पे लग जाएगा। सिंपल सॉल्यूशन है उसके लिए। रेड धागा पहना सकते हैं हाँ थोड़ा सा, रेड वो सब सब है, बॉडी बेसिकली, है ना, उसको एक्टिवेट करना है, आपको थोड़ा गुस्सा यस, दिलाना है, नाइन वो नंबर यू में नीड टू एक्टिवेट मेक इट करना है। इनटू एक्शन। अच्छा, उसको गुस्सा बहुत है, गुस्सा गुस्सा बहुत है, है पर लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन। हाँ फायदे वाला नहीं है वो, और हाँ, इसका रॉन्ग नाम डायरेक्शन भी में है गुस्सा ना, है। वो 4 नंबर पे आ रहा है, देखो ये तो बेचारा क्या करेगा, गेम ही खेलेगा ना, ओ इसके लिए आप अच्छा वीडियोस देख के इसके नाम के टोटल को चेंज करो। अच्छा अच्छा और सर इमोशनल भी बहुत है, गुस्सा हाँ वो तो, बहुत है है, ना, डबल टू आ मूड गया स्विंग ना। है, मूड स्विंग है। अच्छा, अभी जो मिसिंग है ना, अभी उसका जो 9 मिसिंग है ना, तो 9 का फ्रेंडली नंबर अगर है लोशु ग्रिड में, तो फॉर एग्जांपल 9 का फ्रेंडली नंबर इज 4, है, पर अभी क्या मालूम है, नाइन और जो नंबर फ्रेंडली है वो नंबर क्या मिलेगा है, तो इफेक्ट कम होता है ना। नहीं, पर क्या है, 9 नंबर आने पे, है ना, क्या होगा, सिर्फ 5 इसके ग्रिड में है, तो ये इसके हाँ, ना, आप अगर नाम 5 पे लेके आएंगे तो कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है, क्यों, क्योंकि पे 5 लाना इज देयर, चाहिए, एक पे लाना चाहिए है ना, सर। तो अगर 9 पे लाते हैं तो क्या होगा, एक तो ग्रिड कंप्लीट होगा 159492 का, अच्छा, बरोबर, प्लस उसको आपको उसका एक्शन में लाना है, क्यों, क्योंकि अभी वो बैठ के एक्शन नहीं ले रहा है, बरोबर, हाँ दूसरा बराबर, गेमिंग में गया है और उसका नाम 4 पे, यानी राहु एक्टिवेटेड है, और राहु ओ को कंट्रोल कौन करता है, गुंडों को कंट्रोल कौन करता है, शनि, अरे शनि 8 नंबर, शनि कहां पे करता है, पुलिस नो पुलिस सर, पुलिस कंट्रोल नाइन करता नंबर है, मिलिट्री और मंगलसूत्र। पुलिस कंट्रोल करेगा ना गुंडो लोग को, किस कौन कंट्रोल हाँ करेगा, बराबर, 9 नंबर ही हाँ कंट्रोल हाँ करेगा, हाँ तो 9 नंबर चाहिए उसको, ओके, तो तो इसका नाम आप 9 पे उसका लेके आओ। पूरा फुल फर्स्ट नेम मिडिल हाँ नेम फुल उसका नाम है, जो आप नेम का यूज नहीं। करते हैं, फुल फुल फुल, फुल है ना, करूँ क्या, सिर्फ ईशान का करूँ, नहीं, ओनली फुल फर्स्ट नेम आई फुल फुल आई फुल विल डू। फुल ओके फुल, है ना, इसमें ओके आई विल 5 नंबर ऐड कर दो और उसी के हाँ बेसिस पे, है ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में फेसबुक पेज पे यहाँ वहां पे 9 कर दो, और प्लस खाली ओके 9 कर देने से कुछ नहीं होगा, उसको वो हाँ, 9 नंबर की वैल्यूज को भी ऐड करना होगा अपने लाइफ में, तो उस एनर्जी तरह से, बढ़ानी पड़ेगी, हाँ उसको भागना पड़ेगा। उसको, हाँ उसको एक्सरसाइज दो, उसको बोलो उस तरह के 9 के एक्टिविटीज ऐड करे तो वो नंबर एक्टिवेटेड होगा। मतलब एक्सरसाइज मींस जिम, ही गोस टू जिम, नहीं वो जिम वाला तो 8 नंबर के लिए हो गया, 9 नंबर के लिए नहीं हो गया, उसको स्टैमिना नाइन बिल्ड आप करना पड़ेगा, नाइन स्टैमिना नाइन बिल्ड करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा,
फुर्ती लानी पड़ेगी। सी नाइन नंबर कैसे कैसे लेके आनी है इसके लिए नाइन नंबर के वीडियो में, अने आप नाइन नंबर की क्वालिटी के जो हमारा क्वालिटीज ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लैनेट्स है ना उसको आप सुनो, उसमें से आपको आइडिया रह जाएगा कि क्या करना है। नाइन नंबर का प्लैनेट का डिस्क्रिप्शन, हाँ उसको आप डिटेल में पढ़ो बार बार, तो उसपे से यू विल गेट सम आइडिया कि हाउ यू कैन एक्टिवेट नाइन नंबर। ठीक है, वो रेमेडी रेमेडी में भी आता है ना, रेमेडी वही रेमेडी हो गई ना, आप उसकी क्वालिटीज को अपनाएंगे वही रेमेडी है, समझ गए आप। हाँ अभी आपका म्यूट, जो ईशान जो नाम है, हाँ क्या पूछ रहे हैं आप बताइए अभी सर। ये इनका जो ईशान नाम है वो 7 पे आया हुआ है ना टोटल ईशान, अरे तो सिंगल सर नहीं होता ना, अरे सिंगल नाम पे क्या है, सबसे ज्यादा है ना फुल नेम पे ही कॉन्सेंट्रेट पहले करिए। अब 10-15-20 केसेस करिए फुल नेम पे पहले, फिर इंडिविजुअली पे जाइए, वरना क्या होगा ना आप ना यहाँ पे कर पाएंगे ना यहाँ पे कुछ कर पाएंगे सर। लेकिन पहले कोई कोई क्या होता है कि फुल नेम लेते नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ नाम ही, कई जगह पे नाम ही सिर्फ लिखते हैं या फिर या नाम और सरनेम ही लिखते हैं, बीच का नाम तो जो जो वो लोग ज्यादा यूज करते हैं उसको आप फिर कंसिडर करो, सबके लिए एक ही आंसर नहीं, बराबर है। तो अगर वो सिंगल नेम ही हर बार आपको लगता है यूज करते हैं सब जगहों पे, तो फिर फर्स्ट नेम पे ही कंसंट्रेट करो, लेकिन जहां पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को यूज करते हैं रेगुलर में, तो फिर वो दोनों को कंसिडर करो। और छोटे बच्चों के केसेस में नॉर्मली पेरेंट का यानी फादर का नाम भी होता ही है, इसलिए फुल नेम कंसिडर करो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बोलने में हम नॉर्मली किसी को भी फर्स्ट नेम से ही बुलाएंगे, है ना, अमिताभ बच्चन जी वगैरह ऐसे कुछ लोगों को छोड़ के जहां पे हम पूरा नाम लेते हैं उनका फर्स्ट और सेकंड। अदरवाइज नॉर्मली जो हम जैसे सब लोग हैं हम नॉर्मली बुलाने में फर्स्ट नेम ही बुलाते हैं, लेकिन लिखने में हम मैक्सिमम है ना फर्स्ट और लास्ट तो लिखते ही हैं अगर मिडिल नेम नहीं लिखते हैं तो। ठीक है, इसलिए नॉर्मली फुल नेम कंसिडर करो, उसमें से अगर आप अतुल जो इनके फादर का नाम है वो अगर समझो आप रेगुलर नहीं करते हैं तो ईशान कुत्तिर, तो उसके कितूर उसके बेस पे टोटल चेक कर लो, अगर वो ऑलरेडी 9 पे आता है तो मे बी आपको कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अतुल निकाल देना पड़ेगा है ना, या फिर खाली ए डालना पड़ेगा। वो 8 पे आता है सर। हाँ तो वो नहीं चलेगा, तो टी यू एल निकाल के, हाँ तो टी यू एल निकाल के ए डाल के देखो, तो उसी से 9 हो गया, तो कोई स्पेलिंग चेंज नहीं करना पड़ेगा, समझ गए आप। तो इसके लिए ये कैलकुलेटर आपको काम आएगा कि नेमियोलॉजी के पेज पे आप गए, वहां पे ये सारे ऑप्शंस डालते गए, आपको फटाफट आंसर आ जाएगा। गेटिंग इट? या गॉट इट।